हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया से होंगे। वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल के बारे में। दोस्तों, ये बात सच है कि जंगलों के अंदर ही हमें प्रकृति का असली सौंदर्य देखने को मिलता है, जिस कारण लोग अक्सर मन की शांति के लिए जंगल की यात्रा पर निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में मौजूद हर एक जंगल में आपको मन की शांति मिल जाएगी, तो निश्चित ही आप गलत हैं। क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे खतरनाक जंगल भी मौजूद हैं जिनके अंदर जाने पर आपकी नींद चैन सब उड़ जाएगा। दोस्तों, एक समय ऐसा था जबकि संपूर्ण धरती ही जंगल और समुद्र से ढकी हुई थी। मानव की आबादी बढ़ने के साथ ही पेड़ कटने लगे और जंगल का क्षेत्र भी सीमित होने लगा। लेकिन खुशी की बात है कि आज भी धरती के 50% से अधिक हिस्से पर जंगल और जंगली पशुओं का राज कायम है। और यदि आप एडवेंचर को पसंद करते हैं और जोखिम उठाने का शौक रखते हैं, तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के 10 खतरनाक जंगलों की यात्रा पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 10, क्लाउड फॉरेस्ट। साउथ अमेरिका में स्थित इस जंगल का पूरा नाम है मिंडो नाम्बिलो क्लाउड फॉरेस्ट। लगभग 192 वर्ग किलोमीटर में यह फैला संपूर्ण जंगल बादलों से घिरा रहता है और वर्ष भर यहाँ बारिश होती रहती है, जिसके कारण यह जंगल जलीय कीड़ों से भरा है जो कि बेहद ही खतरनाक है। अमेज़न के जंगलों से ये जंगल कुछ ही दूरी पर है और यहाँ 1600 से ज्यादा पक्षी, मेंढक और दूसरी जाति के जानवर रहते हैं। बादलों के कारण यह स्वर्ग में होने का एहसास देता है। यहाँ साल भर लगातार बारिश होती रहती है, जिसके कारण यह जंगल जलीय कीड़ों से भरा रहता है। नंबर 9, किनाबालू फॉरेस्ट। मलेशिया द्वीप राष्ट्र में फैले इस जंगल को यूनेस्को ने विरासत स्थलों की सूची में रखा है। लगभग 754 वर्ग किलोमीटर में फैले इस भयानक जंगल में 5000 से भी ज्यादा प्रजाति के पेड़ पौधे स्थित हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरे इस जंगल में कई तरह के हूंकार और आदमखोर जानवर रहते हैं। डिज्नीलैंड पार्क की तरह खूबसूरत लेकिन भयानक नजर आने वाला ये जंगल पर्यटकों से भरा रहता है। दिन के दौरान ये जंगल जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। भाई, आप यहाँ आकर रोमांचित हो जाएंगे, लेकिन यदि गाइडलाइन को नहीं माना जो जानवरों का शिकार बन सकते हैं भैया। नंबर 8, डाइन ट्री फॉरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ये जंगल जितना खूबसूरत नजर आता है, उससे कहीं ज्यादा ये खतरनाक है। क्योंकि ये जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों और वृक्षों का घर है। ये 10,000 से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियों के जानवरों का घर है। 1200 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में तितलियां, चमगादड़ और हजारों कीड़े रहते हैं। इसे दुनिया का सबसे पुराना जंगल माना जाता है। दुनिया भर से लोग इस जंगल को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर डर और रोमांच का एक अनोखा मिश्रण है। और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार इस जंगल में घूमने के लिए टिकट चार्ज करती है। भाई, नंबर 7, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। वैसे तो चीन में बहुत सारे जंगल हैं, परंतु ट्रॉपिकल की बात ही कुछ अलग है। लगभग 2402 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में 3500 से भी ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। इसी कारण से बोटैनिकल वैज्ञानिकों के लिए जंगल महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दक्षिण एशिया के जैव संतुलन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 50% से भी ज्यादा योगदान है। यहाँ घूमना जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी है। नंबर 6, सुंदरबन फॉरेस्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच फैला ये जंगल सुंदरता के साथ ही बेहद खौफनाक है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जहां सफेद टाइगर भी देखने को मिल जाएंगे। आप पर कब और कहां टाइगर या कोबरा हमला कर दे कह नहीं सकते। 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस जंगल में टाइगर ही नहीं, कई हूंकार जंगली जानवर और कोबरा सांप भी पाए जाते हैं। खतरे के साथ ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होने के कारण इसकी खूबसूरती काफी बढ़ जाती है। यही कारण है कि पूरे विश्व में यह जंगल एडवेंचर पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थान है। इस जंगल को भी यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित कर रखा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और सफेद रंग का बाघ केवल सुंदरबन में ही पाया जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा होने के कारण सुंदरबन काफी ज्यादा डरावना और खूबसूरत नजर आता है। ये काफी ज्यादा खौफनाक है, जिसके कारण ये आने वाले टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इंडिया का ये नेशनल पार्क दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। नंबर 5, टोंगास फॉरेस्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जंगल 68,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी श्रीलंका से भी ज्यादा बड़ा क्षेत्र इसने घेर रखा है। नॉर्थ अमेरिका के अलास्का में फैले इस जंगल में असंख्य पशु पक्षी और खतरनाक जानवर रहते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर आदिवासियों के लगभग 32 समूह के 75,500 से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं, जिनसे बचकर रहना जरूरी है। खतरों और रोमांच से भरे इस जंगल को देखने के लिए हर वर्ष 1 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक आते हैं। नंबर 4, वाल्डिवियन फॉरेस्ट। साउथ अमेरिका में लगभग 2,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल को रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष लगातार बारिश होती रहती है। बारिश के कारण ये जंगल जहाँ लाखों कीड़ों मकोड़ों का घर बन गया है, वहीं यहाँ के जंगल घने हो चले हैं। लगातार बारिश के कारण वृक्षों पर काई उगाई है। इस जंगल में 122 से भी अधिक दुर्लभ प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं। यहाँ कई ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जिनकी प्रजाति विलुप्त होने वाली है। ये जंगल मुख्य रूप से चिली और अर्जेंटीना का हिस्सा है।
नंबर 3 कांगो फॉरेस्ट। ये तो आप जानते हैं कि अफ्रीका तो भैया जंगलों का ही महाद्वीप है, लेकिन उसमें भी कांगो बहुत भयानक है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 20,23,000 और 428 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में 10,000 से अधिक प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कांगो जंगल आकार में जितना विशाल है उतना ही डरावना भी है, क्योंकि यहाँ पर 1,000 से भी ज्यादा प्रकार के पक्षी और 500 से भी ज्यादा प्रकार के स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। खास बात यह है कि कांगो जंगल से होकर बहने वाली नदी में 500 से भी ज्यादा प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पिराना नाम की मछलियाँ किसी भी इंसान को मिनटों में खत्म कर सकती हैं। पर कई स्थानीय लोग बताते हैं कि इस जंगल को श्राप दिया गया था, जिसके बाद से ही यहाँ पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जंगल अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी इसको लेकर अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। कई लोग मानते हैं कि इस जंगल में 14 भूतों का बसेरा है, जिनमें से रेड लेडी सबसे ज्यादा प्रख्यात है, जो कि 12वीं सदी में किन्हीं कारणों से यहाँ मर गई थी। यही वजह है कि इस जंगल से रोजाना रात को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और इस वजह से इस जंगल में कोई भी कदम रखने से कतराता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जंगल में कोई ना गया हो, बल्कि एक बार बहुत सारे लोगों ने इस जंगल में जाने की हिम्मत की थी, पर उनमें से कोई वापस नहीं आया, सबकी मौत हो गई। नंबर 2 अमेज़न फॉरेस्ट। लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल को जंगलों का राजा और जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। पेरू, ब्राजील, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला आदि देशों में फैला ये जंगल करोड़ों पक्षियों और खूंखार जानवरों का घर है। अमेज़न के जंगलों में अमेज़न नदी भी मौजूद है। कहते हैं कि यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा भी रहता है। इस जंगल में बगैर सुरक्षा के घूमना मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि ये जंगल इंसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल के अंदर हमेशा से ही कम लोग बसे थे, क्योंकि यहाँ पर खेती करना संभव नहीं था। तो आबादी भी भले बस गई हो, लेकिन वो यहाँ पर अधिक समय तक नहीं टिक पाती थी। 1500 ईस्वी में अमेज़न क्षेत्र में कुछ 5 मिलियन लोग रहते थे, जो कि घने तटीय बस्तियों जैसे कि मराजो और अंतर्देशीय निवासियों के बीच विभाजित थे। 1900 तक जनसंख्या 10 लाख तक गिर गई थी, और 1980 के दशक की शुरुआत में ये 2 लाख से भी कम थी। ये क्षेत्र लगभग 2.5 लाख कीट प्रजातियों, हजारों पौधों और कुछ 2000 पक्षियों और स्तनधारियों का घर है। आज तक इस क्षेत्र में कम से कम 40,000 पौधों की प्रजातियाँ, 2200 मछलियाँ, 1294 पक्षी, 427 स्तनधारी, 428 उभयचरों और 378 सरीसृपों आदि का निवास इस जंगल के अंदर आया। आपको इस बारे में पता होना चाहिए, यदि आप सच में एडवेंचर के शौकीन हैं तो इस जंगल की सैर जरूर करें। नंबर 1 टैगा फॉरेस्ट। ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो कि एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक 1,20,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यानी भारत और चीन दोनों का जितना क्षेत्रफल है, उससे कहीं ज्यादा क्षेत्रफल इस जंगल का है। स्वर्ग की तरह नजर आने वाला ये जंगल अंटार्कटिक महासागर में भी मौजूद है। इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो उत्तरी ध्रुव से लगा होने के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। इसके लिए कई हिस्सों में तो इसकी बर्फबारी होती रहती है। सोचिए कितना खूबसूरत मौसम होता होगा ना यहाँ का। और इसीलिए यहाँ पशु और पक्षियों की कम ही प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ 4 या 5 प्रकार के पेड़ ही पाए जाते हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर बर्फ गिरती है तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर कौन से पेड़ पौधे उगने वाले हैं, है ना। इस जंगल में रशिया के साइबेरिया का अधिकांश हिस्सा भी शामिल है। आपको देखने में भले ही सुंदर लग सकता है, पर यह असल में बहुत ही भैया खतरनाक होता है, क्योंकि इस जंगल में बहुत से ऐसे खतरनाक और जहरीले जीव रहते हैं जो कि पल भर में आपकी जान ले सकते हैं। और शायद यही कारण है कि बहुत ही कम लोग इस जंगल में जाने का दम दिखा पाते हैं। वैसे आपको अगर जाना हो ना तो मत जाइएगा, क्योंकि सच में ये जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है भाई। इस जंगल में मौजूद बड़े पाइन और 5'3" जितनी ज़्यादा खड़े होते हैं ना, उनके वजह से सूरज की किरणें जंगल की ज़मीन तक पहुंच नहीं पाती। इस कारण इस जंगल में हमेशा अंधेरा रहता है। हालांकि अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ खतरनाक जानवरों की वजह से कोई इंसान इस जंगल में नहीं जाता, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों के मुताबिक ये जंगल भूतिया भी है। अब आप सोच लीजिए कि एक तो ये जंगल इतना ज़्यादा घना है, ऊपर से भूतिया भी है, तो फिर तो कोई यहाँ पर जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है भाई। वैसे इस जंगल में रात को खतरनाक आवाज़ें आती हैं, इस कारण वहाँ कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, ये बात आप मत भूलिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एपिसोड पसंद ही आया होगा, आखिर हमने इतनी मेहनत जुगी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया यहाँ वहाँ जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ इस तरह की वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो बस जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी दिखाएं इतनी कमाल की वीडियोज़। राइट, देखने के लिए शुक्रिया।